हमको देखो क्वेश्चन दिया है, सो दैट द ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स ये एंड ये। हमको कोई ये एक प्लेन दिया है और ये एक दूसरा प्लेन दिया है, हमको ये बताना है कि जो ओरिजिन है वो इस रीजन में लाई करना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है वहां पे लाई करना चाहिए। और फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है इन दोनों प्लेन के बीच में, उसको जो बाइसेक्ट करेगा ये जो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, फिर हमको इसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो पहले ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन के लिए हमने क्या बोला कि जो आपका इक्वेशन है वो क्या होगा, प्लस के साइन के साथ ओपन होगा, मतलब का ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन अपान अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इक्वल टू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू अपान अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर के साथ क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, इस रीजन में आना चाहिए ये चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन रेशियोज के वैल्यूज को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो वो कितना दिया हुआ है, वन टू और टू दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले एक बात इंपॉर्टेंट नोट करो कि यहाँ पे इक्वल टू नाइन दिया हुआ है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नाइन को इधर लाना पड़ेगा, इक्वेशन को जनरल फॉर्म के अंदर करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे डी का वैल्यू निगेटिव आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन में निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, डी पॉजिटिव बने। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस ट्वेल्व जेड प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो। इसका डी का वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये जो पहला प्लेन है जिसको हमने पी वन बोला है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, माइनस वन माइनस टू माइनस टू। और प्लेन पी टू का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, फोर माइनस थ्री और ट्वेल्व हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस अपने वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, ए वन ए टू बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू में। ठीक है, तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। ठीक है, तो ए वन कितना है हमारे पास, माइनस वन ए टू माइनस ए टू फोर है, तो कितना हो गया, माइनस फोर प्लस बी वन माइनस टू, और बी टू कितना है, माइनस थ्री, तो कितना हो गया, प्लस सिक्स हो गया, प्लस सी वन माइनस टू सी टू ट्वेल्व, तो कितना हो गया, माइनस ट्वेंटी फोर। तो ये कितना हो गया, मतलब ये जीरो से तो छोटा ही होने वाला है, क्योंकि माइनस ट्वेंटी एट और सॉरी ट्वेंटी फोर यहाँ पे था ना, और माइनस फोर माइनस ट्वेंटी एट कितना हो गया, माइनस ट्वेंटी टू बचेगा, तो माइनस ट्वेंटी टू तो जीरो से छोटा है ये। मतलब क्या, जो आपका इस सिचुएशन में जब हमारा ये वैल्यू जीरो से छोटा होता था, तब एक्यूट क्या होता था, प्लस के साइन वाला होता था, और ऑब्ट्यूज क्या होता था, माइनस के साइन वाला। मतलब क्या, ये जो हमने रिलेशन बनाया था, इसके अंदर जो प्लस के साइन वाला होगा वो क्या होगा, एक्यूट वाला होगा। ठीक है, तो देखो हमको क्या प्रूफ करना था, कि जो आपका ओरिजिन है वो एक्यूट के अंदर लाई करना चाहिए, क्योंकि देखो ए वन ए टू बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू का वैल्यू जीरो से छोटा आ गया, मतलब ओरिजिन कहाँ आ गया, एक्यूट के अंदर आ गया। एक्यूट एंगल जो दोनों प्लेन के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है वहां पे आ गया। फिर हमको जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको निगेटिव वाला वैल्यू यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, जो माइनस बाहर था हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बस क्या करेंगे, अपने वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या करते हैं, इधर बात करते हैं कितना है, ए वन यक्स। ठीक है, तो ए वन कितना है, माइनस वन, तो माइनस वन यक्स, बी वन माइनस टू वाई, सी वन माइनस टू जेड, और डी का वैल्यू कितना है, माइनस नाइन था, तो हमने प्लस नाइन बनाया था, प्लस नाइन अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू का स्क्वायर भी फोर। ठीक है, और फिर राइट में बात करें तो माइनस को रखो, ए टू का वैल्यू कितना है, फोर है, तो फोर यक्स। फिर क्या, माइनस को रखो, बी टू का वैल्यू कितना है, माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, और वाई माइनस सी टू का वैल्यू कितना है, ट्वेल्व है, तो ट्वेल्व जेड, और माइनस डी टू का वैल्यू माइनस थर्टीन है, और डिवाइड कैसे करोगे, माइनस फोर का स्क्वायर मतलब सिक्सटीन, थ्री का स्क्वायर नाइन, और ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर 144। ठीक है, तो बस क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करते रहो साथ साथ। ठीक है, तो देखो ये कितना होगा, फोर फोर एट वन नाइन, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा,
और यहाँ पे 144 और 6925 मतलब 169 मिलेगा, अंडर रूट 169 का मतलब बाहर आएगा 13 बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड में 13 आ गया, बस क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इधर करो तो कितना होगा 13 इंटू माइनस वन, तो -13x -26y और -26z प्लस 39 117, और क्या हो गया, यह कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई करो तो -12x और प्लस, यहाँ प्लस होगा, हाँ प्लस ही हुआ, 3 9y -12 3 कितना है यहाँ पर, 12 भी आएगा ना, 36z -13 39 आ गया, बस क्या करो सिंपलीफाई कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो -13 है इधर लाओगे क्या हो जाएगा, ये +12 के साथ आएगा तो कितना बचेगा, -x बचेगा, फिर क्या -26 है और वहां पे 9 है तो इधर लाओगे तो -9 हो जाएगा और कितना हो जाएगा -35y -26z और -36z इधर आएगा तो +36 बनेगा और -26 मतलब क्या, +10z 117 है और -39 रहेगा तो +39 बन जाएगा, तो 117 +39 63145 156 +156 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सही है ना, हाँ ठीक है, तो इतना हमारे पास बन गया। अब क्या करते हैं, इक्वल टू 0 राइट में आ जाएगा। अब क्या करो, स्टार्टिंग में माइनस मिल गया तो क्या करते हैं, अच्छा थोड़ा बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 35 वाई माइनस 10z माइनस 156 इक्वल टू 0, तो ये हम मिल गया हमको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, ठीक है।